अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चाइनीज़ पकोड़े। चाइनीज़ पकोड़े के साथ हम एक और एक सॉस बनाएंगे, शिज़ान सॉस, जो बहुत चाइनीज़ फूड में बहुत पसंद की जाती है और बहुत इस्तेमाल होती है। अच्छा, पकोड़े बनाने के लिए हमने चाइनीज़ की सब्ज़ी ले ली है। एक कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, गाजर है, बंद गोभी है और हरी प्याज। इसको हम चॉपर में बारीक चॉप कर लेंगे। बेसन लिया है हमने, नमक है, बेकिंग पाउडर है और शिज़ान सॉस के लिए जो हमने चीज़ें ली हैं उसमें ये लाल मिर्चें हैं। ये मैंने घर में लेकर इनको सुखा लिया था धूप में रख के, या फिर आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, जो बड़ी लाल मिर्च सूखी भी आती हैं। कश्मीरी मिर्च लीजिएगा, वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती। तकरीबन हाफ कप के करीब इसके अंदर लहसुन जाएगा और सिरका। तो चलें सबसे पहले हम सॉस बना लेते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले जो है ये हम मिर्चें ले लेंगे। आप जो अगर हम बाज़ार से मिर्चें लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं, तो उनको हमने पहले पानी में सोख करके रखना है। लेकिन चूँकि ये ज़्यादा ड्राई नहीं है, देखें अच्छी खासी सॉफ्ट सी हैं, तो इनको मैं पानी में सोख नहीं कर रही हूँ। इसके साथ ही हम ये ले लेंगे लहसुन ले लेंगे, ये तकरीबन हाफ कप के करीब है। मिर्चें जो है वो हमने तकरीबन 10-15 ली हैं। इनको हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे, हमने बारीक नहीं पीसना है, ज़रा मोटा दड़दड़ा रखना है इनको। जो लहसुन और लाल मिर्चें हमने अच्छी तरह से पीस ली हैं, अब हम इनको तेल में फ्राई करेंगे। ऑयल हमने ले लिया है, तकरीबन हाफ कप के करीब हम ऑयल लेंगे। अच्छा, देखिए इसके अंदर दालचीनी का पाउडर डलता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये एक स्टिक डाल दें और इसको फिर बाद में निकाल दीजिएगा जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अच्छा, देखिए ये स्टिक फ्राई हो गई है, अब हम इसके अंदर ये लहसुन और मिर्चें डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। नमक डाल रही हूँ मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून। तो मिक्स कर लेंगे। सिरका डालूंगी मैं तकरीबन इसके अंदर 1 सालन का चम्मच। अब इसके अंदर जो है हम केचप डालेंगे तकरीबन हाफ कप के करीब। अच्छा, देखें केचप में भी शुगर होती है, तो हम देख के और टेस्ट करके इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। अच्छा, मैं इसके अंदर 2 टीस्पून जो है शुगर ऐड कर रही हूँ। बस ये हमारी ऑलमोस्ट डन है, इसको हम थोड़ी देर कवर करके छोड़ देंगे और जब तक हम अपने पकोड़ों के लिए जो है वो सब्ज़ी काट लेते हैं। अच्छा, देखिए हमारी सॉस जो है वो हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये आप तकरीबन महीना भर आराम से अपना रमज़ान जो है वो निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी होती है और बहुत टेस्टी होती है। अच्छा, देखिए सब्जियों की हमने कटिंग कर ली है, अब हम जो है वो पकोड़ों का बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए हमने 1 कप बेसन लिया है, 1/2 कप मैदा है, 1 अंडा है, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है और बेकिंग पाउडर।
अंडा हमने ले लिया है, इसके अंदर हम ये एक कप बेसन डाल देंगे, हाफ कप मैदा डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून और ये कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून और बेकिंग पाउडर ये भी 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको बैटर की शक्ल दे देंगे। अच्छा अभी ज़रा कम ही पानी डालेंगे क्योंकि हम इसके अंदर सब्जियां मिक्स करेंगे तो उसका भी पानी छूटेगा, इसलिए मैं बहुत इसका थिक पेस्ट बनाऊंगी। देखिए बैटर हमने बना लिया है, आप देख लें मैंने कितना थिक रखा है। अभी पहले मैं इसके अंदर ये सब्जियां जो हैं सारी चाइनीज़ की इसके अंदर मिक्स कर लूँ, फिर अगर मुझे बहुत ज़्यादा थिक लगा तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी। तो देखिए ये मुझे थोड़ा काफ़ी थिक लग रहा है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा तकरीबन 2-3 टेबल स्पून इसके अंदर पानी डालकर इसको और लिक्विड कर रही हूँ। अच्छा देखिए ऑयल हमने गर्म होने रख दिया था, अब हम इसके पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। आँच आपने धीमी रखनी है क्योंकि सब्जियां जो हैं वो कच्ची हैं। तो लीजिए जनाब हमारे मज़ेदार से चाइनीज़ पकोड़े और शेज़वान सॉस बिल्कुल तैयार हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।